नमस्कार। सर्वेषां मंगलं भवतु। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय के 55 श्लोक हो गए थे कल, आज हम 56वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 54वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीह किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम, अर्थात स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं, वह कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता फिरता है, कैसे आचरण करता है, कैसे व्यवहार करता है। उसी का उत्तर 55वें श्लोक से भगवान देना चालू करते हैं। 55वां हमने पढ़ लिया था, आज 56वां श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्प्रियः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। पदच्छेद देखिए, दुःखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्प्रियः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिः उच्यते। अर्थात एक एक शब्द का अर्थ देखिए। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुख आने पर जिसका मन उद्विग्न नहीं होता है, दुख आने पर जिसका मन उद्विग्न नहीं होता है, सुखेषु विगत स्प्रिहः, और सुख आने पर जो निष्प्रिय है, अर्थात उसके अंदर कोई बहुत सुख भोग की इच्छा नहीं है, उससे विरत है, वो सुख भोगने की इच्छा न रहते हुए भी वो सुख भोगता है, निष्प्रिय है जैसे जल में कमल। वीत राग भय क्रोधः, जिसके भय और क्रोध तथा राग ये सब नष्ट हो गए हैं, ये मानसिक विकार हैं। भय क्रोध और राग द्वेष इत्यादि जो मानसिक विकार हैं वो नष्ट हो गए हैं। मुनि स्थित धीह उच्चते, ऐसे मुनि की बुद्धि स्थिर बुद्धि कही जाती है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ऐसा मुनि स्थित धीह उच्चते, अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान उत्तर दे रहे। 57वें श्लोक में फिर यही बात आगे कह रहे हैं। यः सर्वत्र अनभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पदच्छेद देखिए, यः सर्वत्र अनभिस्नेहः तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम् न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान आगे कह रहे हैं कि यः सर्वत्र अनभिस्नेहः, यः माने जो पुरुष, सर्वत्र माने हर जगह, अनभिस्नेहा माने स्नेह रहित हुआ है, जो पुरुष हर जगह स्नेह रहित हुआ है। स्नेह रहित का मतलब राग रहित, जिसका कहीं पे राग द्वेष नहीं है। तत् 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 का मतलब उस तत् तत् उस शुभाशुभम, शुभ या अशुभ वस्तु को, प्राप्य माने
प्राप्त होकर न अभिनंदति नहीं प्रसन्न होता है। द्वितीय पंक्ति में देखो प्रथम शब्द है न धन अभिनंदति, शुभ और अशुभ को प्राप्त होकर, शुभ या अशुभ को प्राप्त होकर न अभिनंदति न तो प्रसन्न होता है न द्वेष्टि न ही द्वेष करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हो गया है। मतलब शुभ हो अथवा अशुभ हो वो तो न प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है, अर्थात न तो राग करता है, सुख में राग नहीं करता और न ही द्वेष करता है। सुख आता है तो वो फूल नहीं जाता है और दुख आता है तो वो बहुत तकलीफ में नहीं होता है, बल्कि दोनों के प्रति साक्षी भाव से, उदासीन भाव से वो जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि वो अपने अंदर के आनंद में उसको रस आने लगता है, वो आत्मानंद में आनंद लेने लगता है, तो बाहर का आनंद उसको फीका पड़ने लगता है, बाहर का दुख उसको दुख नहीं समझ में आता, बाहर का सुख उसको सुख समझ में नहीं आता है। ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, अर्थात ऐसा व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अर्जुन के अगले प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं, यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पदच्छेद देखिए, यदा संघर्ते च अयम कूर्मः अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में भगवान एक उदाहरण के माध्यम से अर्जुन को समझा रहे हैं कि किस तरीके से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, वो भगवान बता रहे हैं। कहते हैं कि च, सबसे पहले देखिए श्लोक में यदा संघर्ते संघ सह रते चायम, संघर्ते चायम चायम चा धन अयम च मने और कूर्मा, कूर्मो अंगानी व सर्वसा, कूर्मा मने कछुआ, सर्वसा अंगानी मतलब समस्त अंगों को, इव मने जिस प्रकार से समेट लेता है। जो कछुआ होता है वो अपने अंगों को समेट लेता है, उसको थोड़ा सा टच करिए तो अपने अंगों को समेट लेगा। ये बरसात में जो केंचुए होते हैं आप देखें, लंबे लंबे होते हैं निकलते हैं, उनको थोड़ा सा आप टच करेंगे तो बिल्कुल एकदम सिकुड़ के वो गोलाकार वृत्ति में आ जाएंगे, एकदम छोटा बन जाएगा। तो कछुआ जिस प्रकार से अपने समस्त अंगों को समेट के एकदम अपने आप में कर लेता है, यदा अयम, जब अयम मने यह पुरुष इंद्रियार्थेभ्यः, उसी प्रकार से जब यह पुरुष इंद्रियार्थेभ्यः अर्थात इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियाणि माने इंद्रियों को, संघर्ते मतलब हटा लेता है समेट लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे पुरुष की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जिस प्रकार से कछुआ अपने समस्त अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार से जब पुरुष इंद्रिय के विषयों से अपने इंद्रियों को समेट के अंदर ले जाता है, अर्थात प्रत्याहार के द्वारा अंदर कर लेता है, समस्त इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेता है, बहिर्मुखता उसकी समाप्त प्राय हो जाती है, ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, अर्थात ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। विषयाविनि वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः
रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब देखिए आप इसका पदच्छेद देखिए, पहले श्लोक का 59वां श्लोक है अध्याय 2 का। विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसः अपि अस्य परम दृष्टा निवर्तते। निराहारस्य अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाला पुरुष, निराहार का मतलब भूखा, लेकिन यहाँ पर निराहार का मतलब भूखे से नहीं है, अपितु ऐसे व्यक्ति से है जो इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण नहीं कर रहा है, उसको निराहार कहा है भगवान ने। निराहारस्य देहिनः, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के, देहिना माने पुरुष के भी विषयाः विनिर्वन विनिर वन विनिर निराहारस्य देहिनः विषयाः विनिवर्तन्ते। अर्थात जो व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण नहीं करता है उसके विषयाः विनिवर्तन्ते, उसके विषय निवृत्त हो जाते हैं। अर्थात उसका जो विषय है, इंद्रियों का जो विषय है वो तो निवृत्त हो जाता है, परंतु उसके अंदर रसवर्जम जो एक आसक्ति रहती है विषयों की वो निवृत्त नहीं होती, अर्थात वो बनी रहती है। जैसे जलेबी खाने का बहुत मन हो रहा है हमारा, और हमने ये संकल्प ले लिया है कि नहीं हम जलेबी नहीं खाएंगे, हम दुकान पर नहीं जाएंगे। तो ठीक है, हम दुकान पर नहीं गए, हमने अपने इंद्रिय को उस विषय से, जलेबी रूपी विषय से अपने आप को अलग कर लिया बलपूर्वक, तो विषय से तो मैं अलग हो गया, लेकिन क्या जलेबी के प्रति जो आसक्ति है वो भी हमारे अंदर से चली गई? नहीं, उसके प्रति जो आसक्ति है, जो खिंचाव है, जो स्वाद के प्रति आसक्ति है, जो स्वादासक्ति है वो नहीं गई, वो वैसे ही बनी हुई है। तो भगवान यहाँ पे वही बात समझा रहे हैं कि निराहारस्य देहिनः विषयाः विनिवर्तन्ते, जो निराहार पुरुष है, जो इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण नहीं कर रहा है, ऐसे पुरुष विषयों से तो दूर हो जाते हैं परंतु रसवर्जम, परंतु उन विषयों के रस से, उन विषयों की आसक्ति से दूर नहीं हो पाते हैं और उनकी निवृत्ति नहीं हो पाती है। परंतु अस्य, अस्य मतलब इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की, रसः अपि परम, रसः मतलब आसक्ति भी, परम दृष्टा परमात्मा का साक्षात्कार करके निवर्तन्ते निवृत्त हो जाती है। परंतु इस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके परम दृष्ट्वा, परम दृष्ट्वा मतलब परम मतलब सबसे परम कौन है? परमात्मा। उसको दृष्ट्वा मतलब उसका साक्षात्कार करके, उसकी अनुभूति करके, उसका जो रस है, विषयों का जो रस है, विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो भी निवृत्त हो जाती है। आगे चलिए 60वें श्लोक में, यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः। इस श्लोक में भगवान इंद्रियों की प्रबलता का वर्णन करते हैं कि ये इंद्रियां कितनी प्रबल हैं, किस तरीके से धीर पुरुष की भी को भी विचलित कर देती हैं और विषयों की तरफ गिरा देती हैं, उसकी चर्चा भगवान यहाँ पे अर्जुन से कर रहे हैं।
कह रहे हैं कि यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यतः इंद्रियाणि प्रमाथेन हरन्ति प्रसभं मनः। एक एक शब्द का एक एक शब्द को अलग करके पहले पढ़िए। यततो अर्थात यततः ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यतः इंद्रियाणि प्रमाथेन हरन्ति प्रसभं मनः। देखिए प्रथम पंक्ति का तीसरा शब्द है कौन्तेय। हे कौन्तेय अर्थात हे अर्जुन। ही प्रमाथीन मतलब प्रमथन स्वभाव वाली। प्रमाथीन अर्थात प्रमथन स्वभाव वाली। प्रमथन मतलब जो मथ दे प्रकृष्ट रूपेण अच्छी तरीके से जो मथती है वो है प्रमथन स्वभाव। वो है प्रमथन। जब मथा जाए इंद्रियां भी तो व्यक्ति को मथती हैं अंदर से, तो प्रमथा इसलिए उनको प्रमथानी कहा गया है। प्रमथन स्वभाव वाली हैं। तो प्रमाथीनी अर्थात प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियाणी मतलब इंद्रियां। यततः मतलब यत्न करते हुए। विपश्चितः मतलब बुद्धिमान। पुरुषस्य मतलब पुरुष के। मनः मने मन को। अपि मने भी। प्रसभम हरन्ति मतलब बलपूर्वक हर लेती हैं। हे कौन्तेय प्रमाथीन इंद्रियाणि प्रमथन स्वभाव वाली ये इंद्रियां कौन्तेय। दूसरी पंक्ति में देखो प्रमाथीन इंद्रियाणि है। दूसरा शब्द है प्रमाथीनी, पहला शब्द है इंद्रियाणी। तो प्रमाथीनी इंद्रियाणी, प्रमाथीनी क्या है विशेषण है, इंद्रियाणी क्या है विशेष है। तो प्रमथन स्वभाव वाली ये इंद्रियां यततः सबसे पहला शब्द है। यततः अर्थात प्रयत्न करते हुए। विपश्चितः पुरुषस्य मनः अपि बुद्धिमान पुरुष के मन को भी। प्रसभम हरंती बलपूर्वक हर लेती हैं। कि ऐसा पुरुष जो यत्न कर रहा है कि किसी तरीके से इंद्रिय विषयों से हम छूट जाएं, किसी तरीके से अपने इंद्रियों को काबू में रखें, अपने इंद्रियों को अनुशासन में रखें, ऐसे व्यक्ति के मन को भी बलपूर्वक ये इंद्रियां हर लेती हैं अर्थात विषयों में गिरा देती हैं। कई बार हम संकल्प करते हैं कि ये चीज़ हम नहीं करेंगे, ये चीज़ हम नहीं खाएंगे, ये चीज़ हम नहीं छुएंगे, ये चीज़ हम नहीं सुनेंगे, ये चीज़ हम नहीं देखेंगे, परंतु हमारी इंद्रियां बलपूर्वक हमको उन विषयों में गिरा देती हैं। हमें वो देखना होता है, हम वो सुनते हैं, हम वो छूते हैं, हम वो स्वाद लेते हैं, यद्यपि हमने ये कहा था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, फिर भी हम ऐसा करते हैं, कर बैठते हैं, ये कहिए। तो ये क्या है, इंद्रियां बलपूर्वक खींच लेती हैं, क्योंकि ये बहुत ही बलशाली है, अत्यंत इंद्रियां। इसमें क्या है, क्यों इतनी प्रबल हो गई इंद्रियां, हजारों जन्मों का संस्कार, तद तद विषयक संस्कार उनको मजबूत बना देता है और वो हमारे संकल्प को धराशायी कर देती हैं और हमें गिरा देती हैं विषयों में। ये भगवान कह रहे हैं। आगे देखिए 61वां श्लोक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत मत्परः वशे ही यसे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए चूंकि ये इंद्रियां बहुत ही बलवान हैं, ये बुद्धिमान पुरुष के मन को भी हर लेती हैं, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए साधक को, ये बात कह रहे हैं इस श्लोक में कि तानि सर्वाणि संयम्य। तानि सर्वाणि, तानि मतलब उन, तानि सर्वाणि उन संपूर्ण इंद्रियों को संयम्य मतलब वश में करके। तानि सर्वाणि संयम्य उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके। युक्तः
समाहित चित्त हुआ। युक्ता मतलब समाहित चित्त हुआ, अर्थात योगस्थ मत पर मेरे पारायण होकर मेरे शरण में आकर आसीत मतलब ध्यान में बैठे। वो व्यक्ति क्या करे, उपाय भगवान बता रहे हैं कि तानि सर्वाणि संयम में उन समस्त इंद्रियों को वश में करके युक्ता मतलब योगस्थ समाहित चित्त होकर अपने चित्त को वश में करके समाहित करके मत परहा मेरी शरण में आकर मेरे पारायण होकर आसीत मतलब बैठे अर्थात ध्यान में बैठे। ही माने क्योंकि यस्य इंद्रियाणि वशे, जिसकी इंद्रियां जिसके वश में रहती हैं। यस्य इंद्रियाणि वशे, जिसकी इंद्रियां वश में रहती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, जिसकी इंद्रियां वश में हो जाती हैं, अनुशासन में हो जाती हैं, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब आगे देखिए, बहुत ही अच्छा श्लोक है। विषयों के चिंतन से आसक्ति आदि अवगुणों की उत्पत्ति और अधः पतन का कथन। किस तरीके से विषयों की आसक्ति हमारे मन में आती है और किस तरीके से वो मजबूत होती है, कैसे हम विषयों का चिंतन करते हैं और फिर उसमें गिरते हैं, इसका उल्लेख भगवान ने बहुत अच्छे ढंग से किया है। आके देखिए, बहुत ही मनोवैज्ञानिक, बड़ा वैज्ञानिक है ये। आप देखिए, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामा क्रोधो भिजायते। बहुत ही मनोवैज्ञानिक और बहुत ही वैज्ञानिक आध्यात्मिक तथ्य इसमें दिया गया है कि कैसे क्या, पूरा उन्होंने क्रम बता दिया है वैज्ञानिक तरीके से, बिल्कुल गणितीय ढंग से भगवान ने क्रम बता दिया कि पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। उन्होंने कहा ध्यायतो विषयान पुंसः, पहले देखिए पदच्छेद देख लीजिए, ध्यायतः विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधः अभिजायते। कह रहे हैं कि विषयान ध्यायतः, विषयों का चिंतन करने वाले पुंसः माने पुरुष की, तेषु संगः उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, तेषु संगः उपजायते उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। फिर क्या होता है, संगात कामः संजायते, और आसक्ति से, संगात अर्थात आसक्ति से कामः संजायते, उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाती है। कामः मतलब कामना, उन विषयों की कामना संजायते मतलब उत्पन्न हो जाती है। कामात क्रोधः विजायते, और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। कैसे, सबसे पहले विषयों का चिंतन होता है, अर्थात कोई भी विषय, इंद्रिय का विषय, वो सबसे पहले मन में आता है। मन में कैसे आएगा, आँख, या आँख से प्रवेश करेगा, या तो देखेंगे या तो सुनेंगे, तभी तो किसी चीज़ की हम अनुभूति करेंगे। हमने किसी काल में किसी समय में कुछ चीज़ खाया है, पिया है, चखा है, और छुआ है, सूंघा है, सुना है, उन चीज़ों का संस्कार हमारे अंदर पड़ जाता है, और उन संस्कारों के कारण हम पुनः पुनः उसमें प्रवृत्त होते हैं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं विषयान ध्यायतः पुंसान, विषयों का सबसे पहले ध्यान होता है, मतलब वो पुरुष अपने मन में उन विषयों का चिंतन करता है, उन विषयों का जो उसको प्रिय हैं, जिनमें उसकी आसक्ति है, उन विषयों का चिंतन करता है, और फिर उसी चिंतन के कारण उन विषयों में उसकी आसक्ति हो जाती है। वो चिंतन करेगा तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाएगी, चिपकाहट हो जाएगी, बिल्कुल लगातार चिंतन बना रहेगा, उसमें उस विषय की आसक्ति हो जाएगी, और जब आसक्ति हो जाएगी उस विषय में, तो आसक्ति संगात कामः संजायते, उस आसक्ति से तद विषयक कामना होती है कि वो हमें मिल जाए,
जब आसक्ति हो जाती है तो फिर उसी आसक्ति से काम पैदा हो जाता है, अर्थात कामना हो जाती है, हमें वो चीज़ें प्राप्त हो जाएं, वो भोग लें, वो सुन लें, वो चीज़ें हमको मतलब हम ग्रहण कर लें, ऐसे भाव आते हैं। और कामात क्रोधा विजायते, और जब ये कामना पूरी नहीं होती है तब अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। सबसे पहले काम आता है, उसके बाद क्रोध आता है। जब कामना, जब काम पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है तब हमारे अंदर क्रोध पैदा हो जाता है। तो क्या प्रक्रिया है? सबसे पहले विषयों का चिंतन करते हैं और उन विषयों के चिंतन से उस विषय में हमारी आसक्ति हो जाती है और उस आसक्ति से हमारे अंदर कामना पैदा होती है और जब कामना पूरी नहीं होती तब हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है, गुस्सा आता है, हमें बहुत गुस्सा आता है। आजकल देखते हैं ना लड़के लड़कियां कितना गुस्सा कर लेते हैं, अपने माँ बाप पर भी गुस्सा करते हैं, माता पिता पर भी गुस्सा कर देते हैं। कब गुस्सा करते हैं? जब उनकी कामनाओं में कोई बाधा उत्पन्न होती है, जब वो चाहते हैं और वो चीज़ें उन्हें नहीं मिलती हैं तो बड़ा क्रोध करते हैं। और कुछ कुछ क्रोध तो इतने विध्वंसक हो जाते हैं जिसके लिए फिर उनके माँ बाप बेचारे जीवन भर रोते हैं। बहरहाल आगे चलिए, देखिए बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। ये श्लोक ऐसे हैं जिन पर मैं कई रिसर्च पेपर लिख चुका हूँ, इन्हीं दो श्लोकों पर, ये 62वें और 63वें श्लोक पर मेरे कई रिसर्च पेपर हैं, 4-5 रिसर्च पेपर हैं और इसी दो श्लोकों पर व्याख्यान देने के लिए पिछले वर्ष जनवरी में, जनवरी 2019 में, जनवरी 2019 में मैं दक्षिण भारत में उडुपी गया था। कर्नाटक में एक ज़िला है, मंगलौर के पास उडुपी है, वहाँ पे एक सेमिनार हुआ था। वहाँ केवल इन्हीं दो श्लोकों पर एक रिसर्च पेपर लिखकर लेक्चर देने का मुझे वहाँ पर सौभाग्य मिला था और लोगों ने बहुत पसंद भी किया था, क्योंकि इतने मनोवैज्ञानिक ढंग से, इतने अच्छे ढंग से भगवान समझा रहे हैं कि लग रहा है कि बिल्कुल एकदम मैथमेटिकल रख दे रहे हैं कि इसके बाद ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा। तो ये चीज़ें समझने की योग्य हैं, इसको समझिए। आगे भगवान कहते हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहे क्रोधात् भवति सम्मोह, और जब क्रोध होता है, जब गुस्सा आता है तो सम्मोह उत्पन्न हो जाता है। देखिए बहुत सटीक है इसका, पहले आप देख लीजिए पदच्छेद, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एकदम सीधे सीधे पदच्छेद है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सीधे सीधे अर्थ लगाना है, शब्द इधर से उधर नहीं है, मैथमेटिकल ढंग से बिल्कुल है। भगवान कहते हैं कि क्रोध से क्या होता है, मूढ़ भाव आ जाता है, सम्मोह आ जाता है, अर्थात समझ नहीं पाता है वो, गलत को सही, सही को गलत समझने लगता है। जब व्यक्ति के अंदर गुस्सा आता है तो उसकी विवेक शक्ति काम नहीं करती है, विवेक खत्म हो जाता है और सम्मोह हो जाता है उसके अंदर, अर्थात सम्मोह का मतलब क्या है, मूढ़ता आ जाती है, उचित अनुचित का विवेक नहीं रहता, क्या सही है क्या गलत है इस बात की उसके अंदर परवाह नहीं रहती, इस बात को समझ नहीं पाता है। तो क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और जब सम्मोह हो जाता है अर्थात जब मूढ़ता आ जाती है तो क्या होता है, स्मृति विभ्रमः, स्मृतियों का लोप हो जाता है, जो उचित अनुचित जो भी चीज़ें थी, जो भी स्मरण शक्ति थी वो खत्म हो जाती है कि पूर्व में क्या था, मैं कैसे था, क्या हुआ, मतलब सब कुछ व्यक्ति भूल जाता है सम्मोह में। तो सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, सम्मोह से क्या होता है, मूढ़ भाव से क्या होता है, इस स्मृति में भ्रम हो जाता है, वो भ्रम मतलब बिल्कुल भूल जाता है सारी चीजों को,
विभ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और स्मृति भ्रंशात स्मृतियों में भ्रम हो जाने से, स्मृतियों में भ्रम हो जाने से क्या होता है, बुद्धिनाशः, बुद्धि का नाश हो जाता है। जब स्मृति भ्रंश हो जाता है तो स्मृति भ्रंश के पश्चात क्या होता है, जब मेमोरी गई तो बुद्धि भी गई। स्मृति भ्रंशात, स्मृतियों में जब भ्रम हो गया तो क्या हुआ, बुद्धिनाशः, बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि का नाश जब हो जाता है तब क्या होता है, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश होने के पश्चात व्यक्ति गिर जाता है। प्रणश्यति का मतलब मर जाता है, मर जाने का मतलब जीते जी मर जाता है, जीवन तो रहता है लेकिन बुद्धि उसकी चली गई तो वो मृतवत हो जाता है। बहुत ही सटीक ढंग से, मैथमेटिकल ढंग से, साइंटिफिक ढंग से ये भगवान ने मन के विकारों की अत्यंत सार्वभौमिक व्याख्या की है और ये हर काल में हर देश में सदैव प्रासंगिक है। इसको अगर हम समझ लें तो बहुत बड़ी विपत्ति से, आपत्ति से और अनहोनी से हम बच सकते हैं और अपनी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अपनी बुद्धि को स्थिर कर सकते हैं और हम स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं। भगवान के बताए हुए इस मार्ग पर चलने के पश्चात ऐसा संभव हो सकता है। आइए 64, देखिए इस पर तो बहुत कुछ अभी कहा जा सकता है। ये श्लोक बहुत ही गहरे मनोभाव को लिए हुए हैं, बहुत ही गहरे अर्थ को लिए हुए हैं। इस पर स्वयं मैंने ही 50वां पेज लिखा है लेकिन यहाँ पे समय नहीं है और ना ही अवसर है और ना ही औचित्य है। जितना इसमें बताया गया है आप ऊपर से इतनी बातों को समझ लीजिए, इतना ही अभी पर्याप्त है। बाद में फिर अवसर जब मिलेगा तो हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे। अगले श्लोक को देखिए, 64वें श्लोक को देखिए। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इन्द्रियैश्चरण आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, पहले देख लीजिए पदच्छेद। राग द्वेष वियुक्तैः तु विषयान इन्द्रियैः चरण आत्मवश्यैः विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अब देखिए, तू विधेयात्मा, परंतु विधेयात्मा मतलब अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक, जिसने अपने अंतःकरण और इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को विधेयात्मा कहा गया है। तो अब विधेयात्मा अर्थात अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक, आत्मवश्यैः अपने वश में की हुई, राग द्वेष वियुक्तैः इंद्रियैः अर्थात राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा, विषयांचरण मतलब विषयों में विचरण करता है। विषयांचरण मतलब विषयों में विचरण करता हुआ, प्रसादम अधिगच्छति अर्थात प्रसन्नता को प्राप्त करता है, प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। फिर से देखिए, विधेयात्मा अपने अधीन, जिसने अपने अंतःकरण को कर लिया है, ऐसा साधक, आत्मवश्यैः अपने वश में की गई, राग द्वेष वियुक्तैः राग द्वेष से रहित इंद्रियैः इंद्रियों के द्वारा, विषयांचरण विषयों में विचरण करता हुआ, प्रसादम अधिगच्छति प्रसादम अधिगच्छति अर्थात प्रसन्नता को प्राप्त करता है। मतलब विषयों में विचरण करता हुआ भी प्रसन्नता को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, राग द्वेष दोनों के प्रति उदासीन हो गया है, उसने अपने अंतःकरण को समाहित कर लिया है, इसलिए विषयों में भ्रमण करते हुए भी वो प्रसन्नता को प्राप्त करता है। अन्यथा विषयों में प्रसन्नता कौन प्राप्त कर सकता है। हमारा जनक जैसे विदेह, जिन्होंने जो राजगद्दी पर बैठकर भी तमाम महर्षियों के प्रणेता
तमाम महर्तियों को भी क्या करते हैं, मार्ग दिखलाते हैं। ऐसे राजा जनक जैसे लोग ही इस स्थिति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, अपने अंतःकरण को समाहित कर लिया है। भगवान का ये श्लोक ऐसे व्यक्तित्वों पर पूरा पूरा उतर रहा है। आगे देखिए, एक श्लोक और देखिए। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्त्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अब देखिए पदच्छेद, प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसः हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे मतलब अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर, प्रसादे अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर, अस्य सर्व दुखानाम इसके संपूर्ण दुखों का हानि ही उपजायते अर्थात अभाव हो जाता है। पहले श्लोक में उन्होंने, इसके पूर्व वाले श्लोक में उन्होंने कहा प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त करता है, और अगले श्लोक में कहते हैं कि प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसन्नता को प्राप्त होने के पश्चात अस्य सर्व दुखानाम हानि ही उपजायते, इसके समस्त दुखों का अभाव हो जाता है। हानि का मतलब अभाव, लोप हो जाता है। अस्य कस्य, अस्य माने किसके, अस्य कस्य, कस्य मतलब कि जिसने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, ऐसे पुरुष की, ऐसे पुरुष के समस्त दुखों की हानि हो जाती है अर्थात समस्त दुखों का अभाव हो जाता है। और क्या है, प्रसन्न चेतसः, प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि, प्रसन्न चेतसः बुद्धि, प्रसन्न चित्त वाले या प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि आशु ही पर्यवतिष्ठते। आशु माने बहुत ही शीघ्र, पर्यवतिष्ठते मतलब भली प्रकार स्थिर हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की जिसका हृदय प्रसन्न हो गया है, जिसका चित्त प्रसन्न हो गया है, ऐसे कर्मयोगी पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही प्रतिष्ठित हो जाती है, स्थिर हो जाती है अर्थात वो बहुत जल्दी स्थित प्रज्ञ हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्ते उपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे मतलब अंतःकरण की प्रसन्नता के प्राप्त होने पर, अस्य मतलब ऐसे कर्मयोगी पुरुष के, सर्व दुखानाम हानि ही उपजायते समस्त दुखों का अभाव हो जाता है। प्रसन्न चेतसः बुद्धि ही, प्रसन्न हृदय वाले कर्मयोगी की बुद्धि आशु ही पर्यवतिष्ठते शीघ्र ही प्रतिष्ठित हो जाती है, शीघ्र ही स्थिर हो जाती है अर्थात वो बहुत जल्दी स्थित प्रज्ञ हो जाता है। इस तरीके से आज 65 श्लोक हो गए, 56वें से लेकर 65वें श्लोक तक आज हम लोगों ने अध्ययन किया। कल अध्याय 2 संपूर्ण हो जाएगा और हमारे पाठ्यक्रम में केवल अध्याय 2 ही है। अध्याय 2 में 72 श्लोक हैं। कल हम लोग श्लोक नंबर 66 से लेकर 72वें श्लोक तक हम लोग कल पढ़ लेंगे और श्रीमद् भगवद गीता का टेक्स्ट पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ दूसरा टेक्स्ट उठाएंगे, ठीक है, ओके, धन्यवाद। जहाँ भी कोई समस्या हो फ़ोन करके आप लोग पूछिए हमसे, और आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी प्रश्न और जिज्ञासाएँ रख सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। धन्यवाद।